We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सावन, स्वागत करता हूं आप सभी का जेडी गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसा सही पीसी बिल्ड। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आने वाला जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट पीसी होने वाला है। तो गाइस आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हमने पुराने स्टाइल को यूज़ करना शुरू कर दिया है, वही अपना bitcard.com। जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से जाके आप पीसी कस्टमरिंग में बनवा सकते हो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और जो मैं इस वीडियो में आपको पीसी बता रहा हूँ, इसका एक पीडीएफ फाइल है मेरे पास जो bitcard.com से मैंने डाउनलोड किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट जाओ उसको डाउनलोड करके स्पेक्स भी देख सकते हो आप, बहुत ही छोटी फाइल होती है यार पीडीएफ फाइल। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स की। अरे भाई 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 मैं गिर जाता हूँ यार, एक साथ सारे कंपोनेंट्स हैं भाई। चलो खैर कोई नहीं, एक के बाद एक आना ठीक है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा अपना कैबिनेट, जिससे शान आन बान कंप्यूटर का सब कुछ उसके कैबिनेट पे दिखता है। अगर तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर दुनिया का सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड और सीपीयू लगा है बट उसका कैबिनेट आरजीबी नहीं है, तो तुम समझ ही सकते हो कि क्या हो सकता है। तुम्हारे दोस्त बोल सकते हैं अबे क्या घटिया पीसी है, तुम्हारे माँ बाप बोल सकते हैं इतना खर्चा क्यों किया तुमने, क्योंकि देखो यार लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर कर सकते हैं इवन परफॉर्मेंस से। तो ये हर किसी की नहीं है, मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, लुक घंटा कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ मैंने लुक का भी ख्याल रखा है क्योंकि आपको भी पीसी बनाना है ठीक है। और यार सबसे पहला जो हम लोग कंपोनेंट यूज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है कॉर्सर का स्पेक 5 कैबिनेट विथ आरजीबी फैंस। तो ये बहुत ही अच्छा कैबिनेट है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि ये कैबिनेट जो है एकदम डिसेंट लुक देता है, साथ में इसका जो फिनिशिंग है यानी कि एल शेप की आरजीबी आपको मिलती है, जो कि मेरे को बहुत सही लगती है, जो कि प्योर एल नहीं होती है, थोड़ा सा ऐसा कर्व्ड होता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो कैबिनेट मैंने अपने हिसाब से चूज़ कर लिया है क्योंकि ये बजट सेगमेंट में आता है। 3000 तक मैं कैबिनेट चूज़ करना चाहता था, तो मैंने यही कैबिनेट चूज़ कर लिया। और नेक्स्ट जो मदरबोर्ड है जो हमारे सिस्टम के दिमाग को रीड करने वाला है, उसका नाम है गीगाबाइट का A320M मदरबोर्ड, जो कि बहुत ही डिसेंट मदरबोर्ड है। और ये मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये सबसे लीस्ट प्राइस पे आता है, इसकी प्राइस तकरीबन 4000 से 5000 के अंदर है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो कहीं पे आ रहा होगा। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है ग्राफिक कार्ड। देखो यार सीपीयू की तो बात मैं बाद में कर लूंगा, बट ग्राफिक कार्ड जो है सिस्टम की सबसे बड़ी जान होती है, तो ग्राफिक कार्ड में यहाँ मैंने चूज किया है एनवीडिया का GTX 1660 सुपर। आप चाहो तो 1660 Ti भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो RTX भी ले सकते हो। वैसे RTX के नाम पे एनवीडिया पे बहुत लोग गुस्सा है, तो मैं कहूँगा ले हो तो लेना चाहते हो तो ले लो, बट गाइज इसमें ये वाला ग्राफिक कार्ड लेने की मेरे को इसलिए ज़रूरत पड़ी, मैंने चेक किया काफ़ी ऑनलाइन साइट्स में, सिर्फ एनवीडिया के ऑफिशियल पेज पे मिल रही है हमें 3090 3060 जो भी ग्राफिक कार्ड्स है RTX के नए रिलीज हुए हैं, कोई अभी थोड़ा सा स्टॉक खत्म हो गया है उनका, क्योंकि यार बजट सेगमेंट है, ऊपर से 50000 के अंदर ग्राफिक कार्ड्स आ रहे हैं तो लूट गए सब ठीक है। वरना इसका ये वाला जो पीसी था इसका बजट था 80,000 रुपीज, फिर भी यार ये टच होते होते 77 हो गया है, बट इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। और जो ग्राफिक कार्ड मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ मतलब मामूली मत समझो, ये 1080p हाई सेटिंग 60fps केपेबल है, क्योंकि ये GTX के अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखाने वाला यही ग्राफिक कार्ड है लेटेस्टली। 1080 Ti की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी लेटेस्ट अभी रिलीज हुआ है, लेटेस्ट अभी नहीं हुआ है, एक साल हो चुका है इसको, एक साल से भी पुराना हो गया रिलीज होके, बट स्टिल ये जो है मतलब GTX सीरीज का लास्ट ग्राफिक कार्ड कह सकते हो, उसके बाद ही RTX आया, क्योंकि अभी 1660 Ti के बाद GTX का कोई ग्राफिक कार्ड आया ही नहीं है, तो इसी वजह से ये GTX सीरीज का लास्ट ग्राफिक कार्ड था। और नेक्स्ट जो मैंने इस चीज़ के अंदर लिया है पावर सप्लाई, तो देखो वही अपनी पुरानी बीस्ट कॉर्सेयर की VS पावर सप्लाई 500 वॉट्स की, तो मैं यूजुअली 450 वॉट्स की लेता था बट मैंने यहाँ 500 वॉट्स की ले ली, क्योंकि अपग्रेडेबिलिटी के लिए ऑप्शन होना चाहिए, हमें लगाना है RTX, जिसकी मर्जी है लगाना चाहे तो लगा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एंड नेक्स्ट चीज जो है जिसके अंदर हमारा सब कुछ स्टोर होगा, एक होगी SSD। तो गाइस SSD में मैंने चूज किया है गीगाबाइट की SSD। देखो
कुछ लोग बोलेंगे शान भाई गीगावाट की एसएसडी बेकार है, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बजट सेगमेंट में ये गीगाबाइट डब्ल्यूडी ग्रीन एंड नेक्स्ट जो है ए डेटा, ये तीन मेरे को बहुत सही लगती है क्योंकि बहुत ही बजट में आती है। और मैंने हर बार तो मैं डब्ल्यूडी ग्रीन ही चूज़ करता हूँ, मैंने कहा क्यों ना कुछ वेरिएशन चूज़ किया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई मन में आया सब चूज़ कर दिया, मेरे एक दोस्त के पास है इसकी एसएसडी, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि कैसी चलती है एसएसडी, परफॉर्मेंस वगैरह क्या मिलता है। उसने भी एचडीडी से एसएसडी पे आया है वो, तो वो कह रहा था काफ़ी सही परफॉर्मेंस है। और ये 240 GB की एसएसडी है, आप चाहो तो इसमें अपने गेम्स भी इंस्टॉल कर सकती हो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो कर ही सकते हो। अगर तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ करने की दिक्कत नहीं है तो तुम इसमें पूरे की तरीके से अपनी गेम्स इंस्टॉल कर सकते हो। साथ में आप चाहो तो M.2 ले सकते हो 512 GB की, कोई आपत्ति नहीं है, बट तुम्हें 80,000 टोटल बिल्ड पे खर्च करने पड़ेंगे। ये 77 है, तुम्हें हो सकता है 3,000-4,000 और देने पड़ जाए, तो ये माइंड में रख लो। और हाँ यार, कुछ लोग बोलेंगे शान भाई अगर आपने बिटकार्ट से बनवाया तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपको, ये इसी वजह से 77 है, वरना ये 70 के अंदर अंदर ही बन जाता। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मेरे को बहुत सारे दोस्त ऐसे कह रहे थे एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, मैंने ऑलमोस्ट मैं हर बार कंपेयर करता हूँ कि जो भी आपका बिलिंग्स दिखी मैंने सारी अमेजोन की दी थी, क्योंकि पीसी पेरिफेरल्स में मैं बिटकार्ट Amazon MD कंप्यूटर्स पे जाता हूँ, Flipkart पर मैं आज तक PC components लिए नहीं है, नहीं लूँगा। देखो यार, क्योंकि एक PC के अंदर जान होना बहुत ज़रूरी है और एक ट्रस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को Flipkart पे ट्रस्ट नहीं है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें मंगाता हूँ Flipkart से भी, बट गाइस एक तरीके से मेरा पुराना भरोसा है Amazon, लेकिन इस हेडफोन के टाइम पे मेरा भरोसा थोड़ा कम हो गया था। उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आ रही होगी, देख लेना, तुम्हें समझ जाएगा। स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने Amazon का रोस्ट कर दिया था, रोस्ट नहीं लेकिन हाँ थोड़ी सी सर्विसिंग की दिक्कत की थी उन लोगों ने। तो नेक्स्ट गाइस जो है रैम, तो सीपीयू का मैं तुमको थोड़ा सा सीक्वेंस देने वाला हूँ, जब तक वीडियो के एंड तक गेस करो, मैं लास्ट में बताऊंगा सीपीयू कौन सा है, आपको भी थोड़ा मजा आना चाहिए। तो ये और हाँ, ये AMD का सीपीयू है, इंटेल का नहीं है, सबसे पहले बता रहा हूँ, क्योंकि A320 मदरबोर्ड है, A320M मदरबोर्ड है, तो AMD का ही है। तो अपन कहाँ पे थे, अच्छा रैम, तो गाइस वही पुरानी बीस्ट कॉर्सर वेंगेंस जो भी बोलते हो वो 32 GB की मैंने इसमें लगाई है। देखो इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 10 बार कहा है अभी तक में अपग्रेडेबिलिटी, तुम लोग इसको फर्दर फ्यूचर में आराम से 6-7 साल चलाना चाहते हो ये रख लो, बाद में कोई नया ग्राफिक कार्ड लगाओगे और ये खींच लेगा, ठीक है। और जो प्रोसेसर भी है वो लेटेस्ट AMD पे है, ठीक है। तो तुम लोग ऑलमोस्ट सभी ने गेस कर लिया होगा, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में पता चल नहीं वाला है वैसे भी। और यहाँ पे गाइस मैंने जो कूलर यूज़ किया है वो एयर कूलर, तो देखो यार बजट कम करने के लिए मेरे को एयर कूलर यूज़ करना पड़ा है। अगर आपका बजट तो आप थोड़ा सा 90 तक लेके जा सकते हो, 90,000 तक, तो यहाँ पे आप एक लिक्विड कूलर यूज़ कर सकते हो कॉर्सेयर का। और ये सब होने के बाद में आता है कुछ नहीं, ठीक है, टोटल 77,000 हो जाता है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट प्रोसेसर की बात हुई, प्रोसेसर में हमने लिया है AMD का R3, नहीं AMD का R5 यानी Ryzen 5 3600, जी Ryzen 5 3600, जो कि आपको ऑफर करता है 4.2 GHz की बूस्ट, ये आता है 6 कोर 12 थ्रेड, जिसपे आप 4K की गेमिंग भी कर सकते हो। अपग्रेडेबिलिटी, मेरे को लगता है मेरे सभी दोस्त आज नहीं लेकिन लॉकडाउन के बाद जब उनको मिलूंगा सब चप्पल मारने वाले, क्योंकि मैंने तीसरी बार ये शब्द कहा है, तीसरी नहीं ज्यादा ही हो गया, अपग्रेडेबिलिटी। सो यही था ये PC बिल्ड। और हाँ, आप कहोगे सर भाई बेंचमार्क के बिना कैसे जाने दे रहे हो, तो बेंचमार्क्स आप सुन लो, तो ग्राफिक कार्ड और CPU के ही होते हैं बेंचमार्क्स, और छोड़ दो बाकी सब कंपोनेंट्स छोड़ दो, CPU ग्राफिक कार्ड पे मैटर करता है बेंचमार्क। तो यहाँ पे बेंचमार्क जो मेरे को मिले, मैंने GTA 5 इसमें बेंचमार्क की, तो अपने को मिला है ऑलमोस्ट 60 फ्रेम रेट मिला है मेरे को अल्ट्रा सेटिंग्स पे, 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे अपने को ये सही है। और Red Dead Redemption 2 मीडियम सेटिंग्स पे 40-50 FPS का एवरेज मीडियम सेटिंग्स है, और कुछ मैंने लो रखी थी क्योंकि यार RDR2 जो है Red Dead Redemption 2 बहुत ही हैवी टाइटल है, ये मेरे को लग रहा है उसमें भी आपको 60 मिल सकते हैं मीडियम सेटिंग्स पे। हाई सेटिंग्स पे भूल जाओ, तुम लोग हाई सेटिंग्स पे चला ही नहीं सकते हो उस गेम को सिवाय RTX के। एंड नेक्स्ट जो थी हमारी गेम पुरानी अच्छी खासी, कौन सी गेम है, हाँ Witcher 3, मेरे को अभी आ रहा है, मैं Witcher 3 भी बेंचमार्क की है, मैं स्क्रीन पे देखते देखते भूल जा रहा हूँ, हाँ Witcher 3 में अपने को मीडियम सेटिंग्स पे 60+ फ्रेम रेट्स जा रहे थे, हाई सेटिंग्स पे मैंने टेस्ट किया 40 फ्रेम रेट्स मिल रहे थे। एंड नेक्स्ट जो थी Assassin's Creed Odyssey
तो उसमें मीडियम सेटिंग्स पे अपने को 60 मिल रहे थे, हाई सेटिंग्स पे अपने को 30 मिल रहे थे, क्योंकि यार ये भी बहुत हैवी टाइटल है। और बाकी क्या बचता है, कोई एम टेस्ट किए क्या मैंने? नहीं, बस इतना ही टेस्ट किए भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा अपने से इंस्टॉलेशन भी नहीं होता है। और हाँ गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं आया हो तो सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइस, उस वीडियो के अपलोड होते ही अपना 1 सब्सक्राइबर प्लस हो गया, वाह, तालियां मारो सब लोग, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में 1 सब्सक्राइबर प्लस हो गया है अराउंड 3 आवर्स के अंदर। तो वो वाला वीडियो का प्रिपरेशन होते ही मैं इस वाले वीडियो के लिए प्रिपेयर करने बैठ गया हूँ। मतलब वो अपलोड हुआ नहीं कि मैं वैसे ही बैठ गया हूँ, देख सकते हो टी शर्ट भी वही पहनी है मैंने, सिस्टम यहाँ पे चालू है। नहीं, कोई मेरे को आइडिया नहीं है, अपने मेरे सिस्टम को देखा या नहीं, बट हो गया था काम। मेरा मेरा फोन गलती से मैंने कीपैड पे गिरा दिया, मतलब गिराया नहीं था, ऐसा लेने ही आया था, तो यहाँ से थोड़ा सा स्लिप हो गया। हाँ तो क्या ना, सबसे पहले एडजस्ट करता हूँ मैं। हाँ अभी ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लेते हैं, रखता हूँ गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।